हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मैं अपनी तैबा का वाखूं, मैं अपनी तैबा का वाखूं, मैं अपनी तैबा का वाखूं, मैं अपनी तैबा का मंजर लिए हुए जाखूं, मैं अपनी तैबा का वाखूं, मैं अपनी तैबा का वाखूं, मैं अपनी तैबा का मंजर लिए हुए ये आँखों, मैं अपनी तैबा का मंजर लिए हुए आँखों, मैं अपनी तैबा का वाखूं, मैं अपनी तैबा का वाखूं, मैं अपनी तैबा हो वाखूं, मैं अपनी तैबा का मंजर लिए हुए ये आँखों, मैं अपनी तैबा का मंजर लिए हुए मैं जी रहा हूँ इसके पैगंबर लिए हुए ये, मैं जी रहा हूँ इसके पैगंबर लिए हुए। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अरे मोहर मोहब्बत वाखूं, मैं अपनी तैबा का वाखूं, मैं अपनी तैबा का मंजर लिए हुए ये आँखों, मैं अपनी तैबा का मंजर लिए हुए। आ है गो तुम्हें हलीमा, है गो तुम्हें हलीमा, वो गौहर लिए हुए है गो तुम्हें हलीमा, ओ है गो तुम्हें हलीमा, वो गौहर लिए हुए है गो तुम्हें हलीमा, वो गौहर लिए हुए नबियों में सबसे आला, नबियों में सबसे आला पैगंबर लिए हुए, नबियों में सबसे आला पैगंबर लिए हुए। आँखों मैं अपनी तैबा का वाखूं, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। चूंकि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन दो मिसरे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो कह दूं। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, तड़प कर पीछे वाले कह दो सुभान अल्लाह। हो आँखों मैं अपनी तैबा, और जिनको निकाला मसीजिदे, जिनको निकाला मसीजिदे नबुवी से आपने, जिनको निकाला मसीजिदे, ओ जिनको निकाला मसीजिदे नबुवी से आपने, जिनको निकाला मस्जिदे नबवी से आपने, वो फिर रहे हैं आज भी, वो फिर रहे हैं आज भी बिस्तर लिए हुए, वो फिर रखे गैराज बे बेस्तर लिए हुए। आँखों मैं
अपनी तैबा। और कमेटी के जानिब से मोहतरम मोहम्मद अहमद साहपुर राजू, चलिए पढ़ दे रहा हूँ दोबारा। ऐसे तमाम शेर हैं कि जिस किसी का नाम भी ना है और जो काम भी हो जाना चाहिए। और सच बात तो यही है, जितने मुनाफिकीन थे आका ने तो मस्जिद नबी से कहा कि इनको निकालो, इनको निकालो, इसको भी निकालो। दोस्तों बैरकैफ मैंने जो पढ़ा, मैं चाहता हूँ ये एक शेर इस कमेटी की जानिब से सौदाए करबला के हवाले से पढ़ दूँ। कम से कम मेरे जाने के बाद वो शेर आपके जहन में महफूज रहे। वो शेर मुलाजा फरमाए, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हमारा है तीर हुरमला मारा। मोहब्बत से सुनना दोस्तों, जहन बिल्कुल हाजिर करके, क्योंकि मुझे वो शायरी पसंद रही। मैं चाहता हूँ कुछ इस तरह की शायरी हो कि जाने के बाद भी जरूरत पड़े तो दोस्त कभी टेलीफोन पर उस शेर को पूछा जाए। तेरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हमारा है तीर हुरमला मारा, है तीर हुरमला और खुद ही मर गया मारा, है तीर हुरमला मारा, है तीर हुरमला और खुद ही मर गया मारा, है तीर हुरमला और खुद ही मर गया हमारा, है तीर हुरमला और खुद ही मर गया हमारा, है तीर हुरमला और खुद ही मर गया। आगो सुमे हुसैन है, आगो सुमे हुसैन है, असगर लिए हुए ये आगो सुमे हुसैन। माशाल्लाह, चूंकि तीर बाबू बड़ा था, गला छोटा था, माशाल्लाह अगर समझ जाए आप तो एक ही शेर काफी है। माशाल्लाह एक ही शेर काफी है। काटो सरे हुसैन मगर सुन लो कातिलों, चलना पड़ेगा नैजे के ऊपर लिए हुए। अगर इसको समझ जाए तो दोस्तों आपको अजमत हुसैन समझ में आ जाएगा। उससे पहले मैं एक शेर पेश करता हूँ, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हो आँखों में अपने तैबा अचाली से लोग मिल के, चाली से लोग मिल के जिसे ना उठा सके, चाले से लोग मिल के, वो चाली से लोग मिल के जिसे ना उठा सके, ये चाली से लोग मिली के जिसे ना उठा सके, ये एक हाथ में अली है, एक हाथ में अली है, वो खैबर लिए हुए ये एक हाथ। माशाल्लाह वो शेर की फरमाइश नकीबे आज़म हिंदुस्तान ने की है। चूंकि मैं पढ़ रहा हूँ, अगर नहीं पढ़ूंगा तो हो सकता है फिर कहीं मिले तो मामला कुछ अलग थलग ना हो जाए, इसलिए वो शेर मैं पढ़ता हूँ। मैं दोबारा पढ़ने का आदि नहीं हूँ, किसी और मुशायरे में पढ़ता, लेकिन फिर पढ़ रहा हूँ। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह।
आँखों आँखों मैं अपने तैबा का आँखों मैं अपने तैबा का आँखों मैं अपने तैबा ओ मारा हतीर हुर मला मारा हतीर हुर मला और खुद ही मर गया मारा हतीर हुर मला ओ मारा हतीर हुर मला और खुद ही मर गया गंगा मारा हतीर हुर मला और खुद ही मर गया आगो सुमे हुसैन है आगो सुमे हुसैन है असगर लिए हुए आगो सुमे हुसैन है असगर लिए हुए करबो भला को खुल करबो बनाने के वास्ते करबो भला को खुल बनाने के वास्ते आए हुसैन फूल बहत्तर लिए हुए मैं कह पाते थे समाप्त अच्छी शायरी क्योंकि मुझे मालूम है जहाँ 100% का मजमा हो तो वहाँ 10-20% लोग पढ़े लिखे भी बैठे होते हैं माशाल्लाह अच्छा आप सुन रहे हैं मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी शायरी जो जलालपुर के दरमियान में पढ़ी जा रही हो अब आप समझ लें अनमर जलालपुर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खतीब अनाउंसर नकीब उनको जो कह ले कम है वो कहते हैं कि दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद दोस्तों उस जलालपुर से मैं ताल्लुक रखता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआएं हैं कभी इंटरनेट ETV उर्दू के हवाले से जानते हैं लोग पहचानते भी हैं लेकिन आज जो मैं पढ़ने कोशिश कर रहा हूं ना नेट में मिले ना और किसी मुशायरे में आपने भी सुना होगा बिल्कुल बिल्कुल ताज़ा मतलब मुलाजा फरमाएं यहाँ हमारे कुछ सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद हैं मैं मतलब पेश करता हूँ दोस्तों मोहब्बत से कह दो सुभानअल्लाह हो गर चाहते हो फूल से गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना गर चाहते हो फूल हाँ गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना गर चाहते हो फूल हो गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना गर चाहते ओ फूल से पत्थर को तोड़ना रिश्ता रसूल पाक की रिश्ता रसूल पाक की सीरत से जोड़ना रिश्ता रसूल पाक हो गर चाहते हो फूल से गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना गर चाहते हो फूल मेरी हयात मुझसे हमेरी हयात मुझसे कभी मुँह न मोड़ना मेरी हयात मुझसे ओ मेरी हयात मुझसे कभी मुँह न मोड़ना मेरी हयात मुझसे कभी मुँह न मोड़ना ले जा के मुझको शहर ले जा के मुझको शहर मदीना में छोड़ना ले जा के मुझको शहर यही लोग हैं देखिए यही लोग हैं समझ में आ रहा है यही हैं हुसैनी ऐसा मचल रहे हैं कि मालूम ये हो रहा कि एक शेर इनके हवाले से पढ़ लो तो लो बाबू अगर वाकई में हुसैनी हैं आप तो
तो मैं एक शेर ऐसा पढ़ने जा रहा हूँ कि खुदा कसम उसको दामन में समेट कर अपने दिलों में रख लो, जिंदगी संवर जाएगी, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। वो शेर मुलाजा फरमाए, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हो मुझको दुआएं दे के, हाँ मुझको दुआएं दे के, ये बोली थी मेरी माँ। मुझको दुआएं दे के, हाँ मुझको दुआएं दे के, हो मुझको दुआएं दे के, ये बोली थी मेरी माँ। मुझको दुआएं दे के, ये बोली थी मेरी बेटा। कभी हुसैन का बेटा, कभी हुसैन का दामन न छोड़ना बेटा, कभी हुसैन। अब अगर पीछे से नारा ना लगे तो अपने का दावा करने वाला गलत है, गलत है। अरे मुबारक हो, आप बैठे बैठे, आप बैठे ऐसे बैठे बैठे। बेटा कभी हुसैन का हो गर चाहते हो फूल से, गर चाहते हो फूल से, पत्थर को तोड़ना गर चाहते हो फो। और एक से नकी व्यास में हिंदुस्तान के हवाले से, नफीस भाई आप तो बेहतर जानते हैं कि दिल में काबा हो अगर गुंबदे खजरा के बगैर, ऐसा लगता है कि हीरे को तराशा कम है। आप तो अच्छे शायर हैं, मैं एक शेर आपके हवाले से पेश करता हूँ, जरा मोहब्बत से कोल दो सुभान अल्लाह। हो गर चाहते हो फूल से, गर चाहते हो फूल से, पत्थर को तोड़ना गर चाहते हो फो। हो ये इम्तहान सब्र था वरना हुसैन को, ये इम्तहान सबो, हो ये इम्तहान सब्र था वरना हुसैन को, ये इम्तहान सबो, हो ये इम्तहान सब्र था वरना हुसैन को, ये इम्तहान सब्र था वरना हुसैन को। आता था पत्थरों से भी, आता था पत्थरों से भी पानी निचोड़ना, आता था पत्थरों से। राजू भाई यकीन मानिए सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, मुबारक हो। बहुत अच्छे शायर हैं माशाल्लाह, अच्छा पढ़ते हैं सर नूरी साहब, अच्छे शेर पढ़ा कि वो नमाज के ताल्लुक से माशाल्लाह। मैं एक शेर फिर पढ़ता हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा मेरा मिजाज बदल गया क्योंकि आपकी मेहनत देखा बैठे हुए हैं। मैं एक मिसरा इनके लिए पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ दूँ, लेकिन अब अगर वाकई में इनके ज़मीर अगर वाकई में है तो ये बोल देंगे, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हो गर चाहते हो फूल से, गर चाहते हो फूल से, पत्थर को तोड़ना गर चाहते हो फो। हो सुन्निए जायस वालों नारा लगाइए, सुन्निए जायस वालों, ओ सुन्निए जायस वालों जरा लब तो खोलिए, सुन्निए माशाल्लाह। लोग जाग गए माशाल्लाह, अरे बाप। ओ सुन्निए जायस वालों नारा लगाइए, सुन्निए जायस वालों जरा लब तो खोलिए, सुन्निए जायस वालों, ओ सुन्निए जायस वालों नारा
जमीर को सोए हुए जमीर को यारों झिझोड़ना, सोए हुए जमीर बाबू सलामत रहो। अब एक शेर मैं आपके हवाले से, शेर तो इसमें कई हैं, लेकिन मैं एक शेर आखिर आपके नाम पर सभी तक सबको पहुंचा रहा हूं। लजा फरमाओ। हो देती रहेंगी फातिमा, देती रहेंगी फातिमा जहरा हमें दुआ, देती रहेंगी फातिमा, देती रहेंगी फातिमा जहरा हमें दुआ, देती रहेंगी फातिमा। हो देती रहेंगी फातिमा जहरा हमें दुआ, देती रहे फातिमा ज़हरा हमें दुआ। यारों गमे हुसैन से, यारों गमे हुसैन से रिश्ता न तोड़ना, यारों गमे हुसैन, ओ यारों गमे हुसैन से रिश्ता न तोड़। माशाल्लाह इतनी अच्छी समात, करबोगला से आज भी आती है ये सदा, नस्ले यजीद से कभी रिश्ता न जोड़ना। बरकत आपकी भी अच्छी समात है, शायर तो शायर ही होता है। नहीं नफीस भाई, मैं तो पढ़ता ही अच्छा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे शेर भी पढ़ता हूँ। माशाल्लाह आपकी समात अच्छी है, आप हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक रदीफ इस वक्त बड़ी तेजी से पूरे हिंदुस्तान में रश कर रही है, शायद आपने कभी नेट पर सुन लिया हो। बहरहाल नेट हर आदमी नहीं चलाता, सौ ने कहा दो लोग चला के देख लेते, बाकी लोग नहीं। हुसैन जीत गए, क्या है हुसैन जीत गए। मैं चाहता हूँ मतलब आपकी खिदमत में पेश कर दूँ, शायद आपके कान तक इस तरह की रदीप अभी तक नहीं पहुँची हो, मैं पहुँचा रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ दोस्तों, किसको खुशी नहीं होगी जीत पर, अगर वाकई में आप खुश होना चाहते हैं तो अपने चेहरे से, अपने मुस्कुराहट से, अपनी आवाज़ से ये साबित कर दो कि हुसैन जीत गए। बेशक हक है मेरा भी और आपका, मतलब मुलाजा फरमाए। मचल कर कह दो सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी कह दे सुभान अल्लाह। सदाए गुंबद खजरा हुसैन जीत गए, सदाए गुंबद खजरा हुसैन जीत गए, सदाए गुंबद खजरा हुसैन जी गए। मचल के कहे ताहे काबा हुसैन जीत गए, मचल के कहे ताहे काबा मचल के कहे ताहे काबा हुसैन जीत गए। जहाँ तक मुझे उम्मीद है इस रदीप में आपने कलाम नहीं सुना होगा, और अगर सुना भी होगा तो अच्छी बातें हैं, क्योंकि ना जाने कहाँ तक फिक्र लोगों की पहुँचती। मैं एक शेर पेश करता हूँ, जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अगर वाकई में दीवाने हो शेर सुन लो, और मेला ठेला वाली शायरी से बचो, इस मंबरे नूर का एहतराम करना सीखो, और नात को नात की तरह पढ़ो, मनकबत को मनकबत की तरह पढ़ो, इस चीज का बहुत ख्याल करना चाहिए। मैं एक शेर पेश करता हूँ, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हो मचल के कहे ताहे काबा हुसैन जीत गए, जो करबला में हुई जंग को बात लिखी, जो करबला में हुई जंग को बात लिखे, जो करबला में हुई जंग को बात लिखे।
यजीद उस में तुहारा हुसैन जीत गए, यजीद उस में तुहारा हुसैन जीत गए। मचल के कहे ताहे काबा हुसैन जीत गए। अब मैं एक शेर, ये बीच में कुछ नौजवान ऐसे बैठे हैं कि जिनको देखने के बाद यहाँ हौसला मिला और हौसला बिल्कुल ताकत मिल रही है, मैं इन्हीं के हवाले से शेर पेश करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा शेर आपके खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सरे हुसैन तो सजदे में कट गया लेकिन, सरे हुसैन तो सजदे में कट गया लेकिन, सरे हुसैन तो सजदे में कट गया लेकिन, गवाही देता है सजदा हुसैन जीत गए, गवाही देता है सजदा हुसैन जीत गए। बारे दीवाने माशाल्लाह सही है साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो इनको देखने के बाद एक मिसरा हमको लगाना पड़ेगा, माशाल्लाह इजाजत है, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी कह दो यार। कि मचल के कहे ताहे काबा हुसैन जीत गए, हुसैन बज़्म में जितने हुसैन बैठे हैं, हुसैन बज़्म में जितने हुसैन बैठे हैं, हुसैन बज़्म में जितने हुसैन बैठे हैं, लगा रहे हैं ये नारा हुसैन जीत गए, लगा रहे। भाई खड़े होकर लगाओ, नारा लगाना हो तो खड़े होकर लगाओ, तो बैठ के क्यों लगा रहे? तहत में पढ़ दूंगा। लगा रहे हैं वो नारा हुसैन जीत गए। अब वही है अकरम भाई, माशाल्लाह की उठा है जंग की, उठा है जंग के मैदान में 10 मुहर्रम को यजीदियत का जनाजा हुसैन जीत गए। ठीक है, कहीं भी नाम नहीं है यजीद का संदल, अब तो तरन्नुम से पढ़ने का मन नहीं करता माशाल्लाह। कहीं भी नाम नहीं है यजीद का संदल, गली गली में है चर्चा हुसैन जीत गए। एक रदीफ इस वक्त बहुत टफ है शायद, अगर इतने बड़ा मजमा है माशाल्लाह 1000-2000 का, किसी ने अगर सुना हो जरा हमें बताइएगा क्या क्या है। सिर्फ एक मतलब एक शेर मैं अपने जानिब से पेश कर रहा हूँ, अगर आपका माहौल मुझे मिला तो आइंदा कभी आऊँगा तो इस कलाम को पूरा कर दूंगा। बहुत आसान बहर और आसान लफ्ज भी उसमें है, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। बाबू जरा दिल से सुन लेना मतलब, मुलाजा फरमाए। हो पढ़ के देखो तो करबला क्या है, देखिए 10 शेर हैं इसमें, इस वक्त भी पढ़वा सकते हैं लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं पढ़ेंगे इंसान आइंदा सुनो, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। लेकिन बहुत महंगी तर्ज है, तलब कर कह दो सुभान अल्लाह। हो पढ़ के देखो तो करबला क्या है, पढ़ के देखो तो करबला क्या है, पढ़ के देखो पढ़ के देखो पढ़ के देखो तो करबला क्या है। व
वरना आंखों का फायदा क्या है, पढ़ के देखो तो कर्बला क्या है, पढ़ के देखो तो कर्बला क्या है, वरना आंखों का फायदा क्या है। अगर न जाते हुसैन करबल में, अगर न जाते, अगर न जाते, अगर न जाते हुसैन करबल में, अगर न जाते हुसैन करबल में, सब ये कहते कि करबला क्या है, गर न जाते हुसैन करबल में, सब ये कहते कि करबला क्या है, पढ़ के देखो तो करबला क्या है, वरना आंखों का फायदा क्या है। और एक नात का शेर सुन ले, वाकई में जो मुझे बहुत पसंद है, जरा मोहब्बत से सुन ले, तड़प कर कह दीजिएगा सुभान अल्लाह, लेकिन अभी नहीं। ओ पढ़ के कलमा जो कंकरी बोली, पढ़ के कलमा, पढ़ के कलमा, पढ़ के कलमा जो कंकरी बोले, देख बूझल मुस्तफा क्या है, पढ़ के कलमा जो कंकरी बोली, देख बूझल मुस्तफा क्या है। असर जो नेज़े पे चढ़ के बोली उठा, एक शेर सुन लो, चार पांच लफ्जों को जोड़कर दोस्तों इतनी अच्छी शायरी अगर हो जाए तो यार आपको तरन्नुम पर तो नहीं दाद देना चाहिए, लेकिन शायरी को जरूर बोल देना चाहिए। तेरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ओ सर जो नेज़े पे चढ़ के बोली उठा, सर जो नेज़े पे चढ़ के बोली उठा, सिमर हैरान है कटा क्या है, सर जो नेज़े पे चढ़ के बोली उठा, सर जो नेज़े पे चढ़ के बोले उठा, सिमर हैरान है कटा क्या है।